हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिजेस की एंड द मेंटेलिटी ऑफ हिंदू समाज। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आज जो हमारे हिंदू समाज की मेंटेलिटी है वह किस दौर से गुजर रही है। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़े से पिंजरे में 5 बंदरों को डाल दिया, जिसके बीच में एक लैडर रखी थी और उस लैडर पर कुछ केले रखे हुए थे। जब भी कोई बंदर ऊपर जाकर केले खाने की कोशिश करता तो वैज्ञानिक बाकी के बंदरों पर एकदम ठंडा पानी डालकर उन्हें सजा देते। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ। इसके बाद जब भी कोई बंदर लैडर पर केले खाने के लिए चढ़ता तो बाकी के बंदर उसे नीचे खींचकर उसकी पिटाई कर देते। धीरे धीरे बंदरों ने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया। अब वैज्ञानिकों ने एक पुराने बंदर को बाहर निकालकर एक नया बंदर अंदर डाल दिया। नए बंदर ने अंदर आते ही लैडर पर रखे केले देखे और उन्हें खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। यह देखते ही बाकी के पुराने बंदरों को गुस्सा आ गया और उसे नीचे खींचकर उसकी भी अच्छे से पिटाई कर दी। इस तरह काफी बार पिटने के बाद बंदर को समझ में आ गया कि ऊपर चढ़ना गलत बात है, जबकि उसे पता नहीं था आखिर ऊपर क्यों नहीं चढ़ना है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और पुराने बंदर को नए बंदर से रिप्लेस कर दिया और उसके साथ भी वही हुआ जो पहले वाले के साथ हुआ था। और पहले वाले नए बंदर ने भी इस बंदर को पीटने में पूरे जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। इसी तरह वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे हर एक पुराने बंदर को नए बंदर से रिप्लेस कर दिया। अब पिंजरे में 5 नए बंदर थे, जिन्हें कभी भी ठंडे पानी से सजा नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई बंदर लैडर पर ऊपर चढ़ता, बाकी के 4 बंदर उसे नीचे खींचकर उसकी पिटाई कर देते। अगर उनसे यह पूछना पॉसिबल होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब यही होता कि यहाँ पर ऐसा होता आया है तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारी हिंदू समाज की मानसिकता है वह आखिर में बचे बंदरों की तरह ही एक जगह सेट हो चुकी है। हमें यह तो पता है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से करनी चाहिए, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय से करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए, यह रूल बनाया किसने, इस रूल को बनाने के पीछे मकसद क्या था और आज के समय के हिसाब से यह रूल इम्प्लीमेंट करना सही है या गलत, यह ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज हमारी बंदर जैसी मानसिकता है वह फिर से इंसानों जैसी बन पाए और हम ये सोच और समझ पाएं कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, आपने डार्विन की थ्योरी तो पढ़ी होगी कि पहले हम बंदर थे, उसके बाद वह मानुष बने और धीरे धीरे करके हम आज जैसी कंडीशन में आ पाए। लेकिन दोस्तों, हमारी हिंदू समाज की मानसिकता के साथ इसका जस्ट उल्टा हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भारतीय संस्कृति की शुरुआत में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस टाइम हमारे भारतीय समाज की सोच आज के यूएस और ब्रिटेन के लोगों से कहीं ज़्यादा ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड थी। अगर आपको यकीन ना आए तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा खजुराहो टेम्पल, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ण सिस्टम से। जो आज हमारा कास्ट सिस्टम है इसी वर्ण सिस्टम का सबसे बिगड़ा हुआ और खराब रूप है। दोस्तों, वर्ण सिस्टम के बारे में भगवद गीता के चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 में बताया है कि कुल 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आपका कौन सा वर्ण है यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, किस तरह के काम में आपका इंटरेस्ट है, ना कि इसमें कि किसके घर आपने जन्म लिया है। और कौन सा वर्ण ऊपर है और कौन सा वर्ण नीचे, इसके बारे में भगवद गीता में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 10 एंड श्लोक नंबर 64 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण एक से दूसरे में भी चेंज कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो वह क्षत्रिय बन सकता है और अगर कोई क्षत्रिय है तो वह शूद्र भी बन सकता है। यह पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके कर्मा पर। फॉर एग्जाम्पल, रावण जो कि एक ऋषि का बेटा था, बाद में अपने कर्मा की वजह से वह एक राक्षस बन गया। विश्वामित्र जो कि पहले एक ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बने और उनके बाद में उनका बेटा शूद्र बना। इसी तरह मणिकर्णिका, जिसे आप झांसी की रानी के नाम से भी जानते हो, वह एक ब्राह्मण की बेटी थी लेकिन वह एक क्षत्रिय बनी और उसकी शादी भी किसी क्षत्रिय से करवाई गई। इसी की वजह से वह बाद में झांसी की रानी बन पाई। अगर उनकी शादी किसी ब्राह्मण से ही करवा दी गई होती तो शायद आज हम में से कोई भी उनका नाम नहीं जानता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे भारतीय समाज में शादियां किस तरह करवाई जाती थी। दोस्तों, उस समय दूल्हे और दुल्हन को वर और वधू करके बोला जाता था। दूल्हे को वर करके बोला जाता था वह इसलिए
क्योंकि वर संस्कृत के शब्द वरण से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्योंकि लड़की किससे शादी करेगी यह पूरी तरह से डिपेंड करता था इस पर कि लड़की किसको सेलेक्ट करती है। इसके लिए कई बार काफ़ी बड़े बड़े स्वयंवर भी ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, जिसमें माता पिता का रोल रहता था कि वह कोशिश करते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे से हो जिसका व्यवहार उनकी बेटी के जैसा ही हो। इसी के साथ साथ दोनों एक जैसे काम में ही इंटरेस्ट रखते हों, इसलिए माता पिता का वर्ण चाहे बच्चों से अलग होता हो, लेकिन माता पिता की कोशिश रहती थी कि पति पत्नी का वर्ण एक जैसा ही रहे। यह सब करने के पीछे पेरेंट्स का मकसद रहता था कि अगर दोनों का वर्ण एक जैसा ही रहा तो दोनों का नेचर भी एक जैसा होगा, दोनों एक जैसे काम में इंटरेस्ट भी रखेंगे, जिससे शादी के बाद दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की अच्छे से मदद भी कर पाएंगे। दोस्तों, यह सारी बात हमारे अखंड भारत के उस टाइम की है जब इसे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसके बाद चालू होता है हमारे देश का बुरा दौर। हमारे देश पर काफ़ी सारे भारी आक्रमण होते हैं, जिसमें हमारी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ वह तोड़ दी जाती हैं, हमारी किताबें या तो जला दी जाती है या फिर उनमें इस तरह चेंज कर दिया जाता है जिससे भारत कभी भी विश्व गुरु ना बन पाए और हम आपस में ही जात पात के नाम पर लड़ते रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है मनुस्मृति में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति के 50% से ज़्यादा श्लोक ऐसे हैं जो कि इसमें या तो बाद में ऐड किए गए या फिर पूरी तरह फेक हैं। इनका खुलासा प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने अपनी एक किताब में करा है और पूरे एनालिसिस के साथ बताया है कि इसमें कौन सा श्लोक पूरी तरह असली है और कौन सा श्लोक नकली है। इतना सब कुछ हमारे देश पर होने के बाद अब हमारे देश में बस कुछ गिनती के ही स्कूल और गुरुकुल बचे थे, इसलिए बच्चों को अगर कुछ भी सीखना होता तो वह बस अपने पिता से ही सीख सकते थे और पिता भी उन्हें वही सिखा पाते जो कि उन्हें आता था। इसलिए धीरे धीरे करके पिता का कर्म ही बच्चे का कर्म होने लगा और जाति व्यवस्था जो कि कर्म पर डिपेंड करती थी धीरे धीरे जन पर डिपेंड करने लगी। दोस्तों, हमारे देश पर अत्याचार यहीं नहीं रुका। इसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आए जिन्होंने 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, हमें भड़काया, लूटा, आपस में लड़ाया और हमारे देशवासी जो कि अपने कर्म को सबसे ऊपर रखते थे उनके लिए कल्चर को मेंटेन रखना तो दूर की बात है, उनके लिए दो टाइम तक की रोटी तक कमाना मुश्किल हो चुका था। और इस समय कास्ट सिस्टम इतनी बुरी तरह बिगड़ गया और ये थमरूल बन गया कि ब्राह्मण शादी करेगा ब्राह्मण से, क्षत्रिय शादी करेगा क्षत्रिय से, चाहे लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो चाहे ना करते हो, चाहे दोनों का नेचर एक जैसा हो चाहे ना हो, चाहे दोनों की पसंद एक जैसी हो चाहे ना हो, बस कास्ट सेम होनी चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं तो हमें भी करना है, चाहे इसके लिए उनको उनके बच्चों के साथ साथ उनकी खुशियों का ही गला क्यों ना घोटना पड़े। दोस्तों, आज के समय के हिसाब से और इसी के साथ साथ जो आज कास्ट सिस्टम की कंडीशन है उसे देखकर इंटर कास्ट मैरिज करना सही है या गलत है, मैं चाहूँ तो इस पर एक बहुत लंबी स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचें समझें और अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछें, जैसे कि अगर आपके माता पिता, दादा दादी कुछ गलतियाँ करते आ रहे हैं तो आपका भी उन्हीं गलती को दोहराना क्या सही है। कुछ लड़के और लड़कियों को ऑनर किलिंग के नाम पर सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरी कास्ट में शादी करने की कोशिश की, इसमें किसकी गलती है, उन लड़के या लड़कियों की या फिर आपकी उस विकलांग सोच की जो कि सोचने और समझने की क्षमता खो चुकी है। अगर आपके बच्चे को किसी दूसरी कास्ट में ही सही एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया है जो कि उसके सुख दुख और सपनों को खुद का समझता हो और जो उसका ध्यान रखने के लिए पूरी तरह कैपेबल हो, तो फिर भी उसकी किसी ऐसे लड़के से शादी करना सही है जो कि ना तो आपके बच्चे को पसंद हो, इसी के साथ साथ ना ही आपके बच्चे की पसंद से बेहतर हो, बस कास्ट सेम हो, जबकि आपको खुद नहीं पता कि आपकी एक्चुअल में कास्ट क्या है और ना ही आपको यह पता है कि आपके पूर्वजों की कास्ट क्या रही होगी। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की, क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ले। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।